अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम शफीक और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने मेमोरी कार्ड, यूएसबी ड्राइव या अपने सिस्टम में से किस तरह एक फॉर्मेट हुए डाटे को, डिलीट हुए डाटे को किस तरह रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने इसको मेरी ब्लॉग रजिस्टर डाउनलोडर डॉट ब्लॉग डॉट कॉम से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद ये आपके पास इस शक्ल में आएगा, ये प्लस प्लस क्रैक है। आपने क्या करना है कि इस पर ऐसे आप इसे डाउनलोड कर लें, इसे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट टू यूएस डाटा रिकवरी के नाम से आपने सेव कर लेना है। जैसे ही आप इसे एक्सट्रैक्ट कर लें, इसे डबल क्लिक करना है। आपके पास सेटअप का फोल्डर और क्रैक का फोल्डर दो आ जाएंगे। आपने इस फोल्डर को ओपन करना है जो सेटअप का है, इसे आपने डबल क्लिक करके सेटअप को इंस्टॉल कर देना है। आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट। आप इसका पाथ अगर चेंज करना चाहें तो वो भी चेंज कर सकते हैं, मैं चेंज नहीं करूँगा। और उसके बाद आई हैव रीड द कॉशंस करेंगे तो ये एनेबल हो जाएगा। अभी नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद सेलेक्ट स्टार्ट मेन्यू फोल्डर, अगर आप इसका स्टार्ट मेन्यू फोल्डर बनाना चाहते हैं तो ठीक है, अगर किसी और जगह पर तो वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करें, उसके बाद क्रिएट डेस्कटॉप आइकॉन या क्रिएट क्विक लॉन्च आइकॉन, आप जो अपनी मर्जी से रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। इंस्टॉल कर दें, अभी इंस्टॉल करें। जैसे ही ये सेटअप इंस्टॉल हो जाए, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, यहाँ पर लॉन्च ए सी यू एस डाटा रिकवरी विजार्ड और पार्टिसिपेट द कस्टमर, आपने दोनों को अनचेक करने के बाद फिनिश करना है। जैसे ही दोनों को अनचेक करने के बाद फिनिश करें, फिनिश करने के बाद आपने बैक जाना है और अपना क्रैक का फोल्डर ओपन करना है। वहाँ पर इसको क्रैक के फोल्डर को ओपन करने के बाद जो क्रैक की फाइल है उसे कॉपी करें और अपने विंडो के सी ड्राइव में आइए। यहाँ पर प्रोग्राम फाइल के नाम से एक फोल्डर होगा, इसे आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने ईजी यू एस जो ये फोल्डर है, आपने इसे डबल क्लिक करके ओपन करना है। जैसे ही आप इसे ओपन करें, यहाँ पर आपने साइड पे राइट क्लिक करके इसको, इसी फाइल को जो क्रैक की फाइल जो आपने वहाँ से क्रैक के फोल्डर से कॉपी किया, उसे कॉपी करके पेस्ट कर दें यहाँ पर। एक सेकेंड, ये फाइल जो है यहाँ पर इजी यू एस डाटा रिकवरी क्रैक की फाइल जो है यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। अभी हम इसको रजिस्टर्ड कैसे करेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करने के बाद यस को क्लिक करेंगे। अभी चेक एंड एक्टिवेट आर डीएक्टिवेट, यहाँ पर ये जो है ये हमें बता रहा है जनाब कि आप इजी यू एस डाटा रिकवरी विजिट को यूज़ कर रहे हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो है विंडो 8 है। सिस्टम आर्किटेक्चर जो है 32 बाइट्स का है, जो आप वर्जन यूज़ करें उससे यह परफॉर्म एक्शन जो है आप एक्टिवेट करना चाहते हैं या डीएक्टिवेट, मैं इसे एक्टिवेट करना चाहता हूं तो मैं इसे जनाब यहां पर चेक एंड एक्टिवेट पर क्लिक करूंगा। सक्सेसफुली एक्टिवेट का अभी मैसेज आ चुका है, मैं इसे ओके करने के बाद यहाँ से इसे क्लोज़ करता हूँ। क्लोज करने के बाद इस फाइल को मैं क्लोज़ करता हूँ और इसको भी मैं अभी क्लोज़ करता हूं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इसे रजिस्टर कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। अब अभी यहां पर फाइल नेम drwxc हार्ड ड्राइव ऑन दिस कंप्यूटर यस। अभी यहां पर देखिए कंप्लीट रिकवरी इजी यूएस डाटा रिकवरी विजिट प्रोफेशनली तौर पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। डिलीटेड फाइल रिकवरी, पार्टीशन रिकवरी, जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। और मोर में आइए, आपको मैं अबाउट के बारे में बता दूं। अभी फॉर द लेटेस्ट प्रोडक्ट, ये प्रोफेशनली है, प्लीज़ विजिट दिस साइट। ठीक है दोस्तों, मोर में आइए, आप हेल्प ऑप्शन पे आ सकते हैं। यहाँ पर एंटीवायरस, कॉमन रॉ, जो भी मटेरियल, जो भी आप रिकवर करना चाहें वो कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो और आज का ये मेरा सॉफ्टवेयर जो है ये बहुत पसंद आएगा। दुआ में याद रखिए, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक करने के लिए जनाब यूट्यूब facebook.com/onlinetrainings और सब्सक्राइब करने के लिए है जनाब youtube.com/user/onlinetrainings। फॉलो भी आप कर सकते हैं, फॉलो करने के लिए dailymotion.com/onlinetrainings। तो आप में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह।